आज हमारा जो टॉपिक है, जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बीए पार्ट फर्स्ट में, कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का दृष्टिकोण है उसे दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में बांटते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। तो हमने पिछली कक्षा में परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा था कि परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में किन किन हम चीजों को शामिल करते हैं, इसके अध्ययन क्षेत्र में हम किन किन विषयों को शामिल करते हैं, और किस प्रकार से हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो केवल औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर ही बल देता है, केवल राज्य और सरकार के अध्ययन को ही इसमें शामिल करता है, जबकि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर भी इसमें बल देता है। राज्य और सरकार के साथ में वह मानव के राजनीतिक व्यवहार को भी इसके अध्ययन का केंद्रीय बिंदु मानता है, और इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र जो है वह संकुचित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक है। तो देखिए, हमने पिछली कक्षा में आपकी बीए पार्ट फर्स्ट में हमने राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ा था, और आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में हमने आपका जो है उस सेशन में डिस्कस किया था कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उस आधुनिक दृष्टिकोण की क्या क्या विशेषताएं हैं, और इसके विषय क्षेत्र में हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं। तो अब हम विशेषताओं के बाद में हम लेते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, उसके अध्ययन क्षेत्र में हम किन किन वस्तुओं को शामिल करते हैं। तो देखिए, तो आपका टॉपिक है, जो पिछली कक्षा में हमने राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ा था, उसकी विशेषताएं हमने पढ़ी थी, उसके आगे आपका टॉपिक है कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसके अध्ययन क्षेत्र में हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं, अर्थात राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र देखिए, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो हम इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वह परंपरागत दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। तो देखिए, इसके अध्ययन क्षेत्र में हम मानव के राजनीतिक व्यवहार को शामिल करते हैं, मानव के राजनीतिक व्यवहार, मानव के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बिंदु हम मानते हैं, कि जहां पर परंपरागत दृष्टिकोण में हम केवल औपचारिक संस्थाएं अर्थात राज्य सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह, इन सब संस्थाओं के अध्ययन को उसमें शामिल करते हैं, तो इसके विपरीत हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अध्ययन क्षेत्र में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को इसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल करते हैं, कि मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है वह इसके अध्ययन की प्रमुख इकाई है, और इसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी पक्षों को हम इसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो देखिए, मानव के राजनीतिक व्यवहार को जब हम इसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल करते हैं तो जहाँ इसका परंपरागत दृष्टिकोण जो है वह इसके संकुचित क्षेत्र की बात करता है, वहीं पर मनुष्य की राजनीतिक व्यवहार में अर्थात उसके दिन प्रतिदिन के जीवन में जिन जिन चीजों से उसके व्यवहार नियमित होता है, प्रभावित होता है,
उन सबको हम इसके व्यवहार में शामिल करते हैं। तो इसका क्षेत्र व्यापक है। तो इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण केवल औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को शामिल करता है, जबकि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को इसकी केंद्र बिंदु मानता है। और इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण जो है परंपरागत दृष्टिकोण से क्या है, व्यापक है। अगला जो है इसका वह है अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन की वैज्ञानिकता पर बल, अर्थात यह राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने पर बल देता है। कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है वह एक विज्ञान की तरह ही इसका अध्ययन है, तो यह अध्ययन की वैज्ञानिकता पर बल देता है। इसमें अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए अध्ययन में विभिन्न जो है अनुभवी पर्यवेक्षणात्मक ऐसी अध्ययन पद्धतियों को शामिल किया जाता है जो कि राजनीति विज्ञान की जो पुरानी जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनके बिल्कुल विपरीत। इसमें भविष्यवाणी की संभावना की बात की जाती है। तो अध्ययन को यह वैज्ञानिक बनाने पर बल देता है कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह अधिक से अधिक वैज्ञानिक हो सके, क्योंकि दूसरे महायुद्ध के बाद में सभी समाज विज्ञानों में ये होड़ लगी हुई थी कि सभी जो है वह अपने आप को वैज्ञानिकता से अपने आप को युक्त मानना चाहते थे कि राजनीति विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, इतिहास है, दर्शन शास्त्र है, तो सभी ये चाहते थे कि सभी समाज विज्ञान के विषय जो है वह अपने आप को विज्ञान की होड़ में लगे हुए थे कि हमारा जो विषय है समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र, इतिहास है, तो सब अपने आप को वैज्ञानिकता का आउटपुट देने में लगे हुए थे। तो इसी प्रकार से दूसरे महायुद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में भी व्यवहारवादी उपागम शुरू हुआ और उसने राजनीति विज्ञान को जो है वह वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया और राजनीति विज्ञान में विशुद्ध विज्ञान के रूप में जो है इसमें अध्ययन पद्धतियां और अध्ययन शुरू हुआ। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने पर बल देता है। अगला है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। तो देखिए राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देने की बात कही गई कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है उसमें अन्य समाज विज्ञान के जो विषय समाजशास्त्र, इतिहास है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, तो इनमें जो भी विशेषताएं हैं इन विशेषताओं को राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया, अर्थात एक सहसंबंध है। समाज विज्ञान के सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस कारण से एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध है। तो अंतर अनुशासनात्मक इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी की बात की गई कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन में एक विषय का दूसरे विषय के साथ में क्या है, सहसंबंध है, और इस कारण से राजनीति विज्ञान जो है वह अन्य विषयों की जो भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को अपने आप में समाहित कर सकता है। तो इस प्रकार अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया। अगला है मूल्यों के प्रति तटस्थता, देखिए जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान में मूल्यों को, आदर्शों को, नैतिकता को समाहित करता है और आदर्श मूल्यों और नैतिकता को प्रमुख स्थान देता है अपने अध्ययन में, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह मूल्यों के प्रति तटस्थ है, अर्थात
मूल्यों से रहित अध्ययन। मूल्यों से रहित अध्ययन का मतलब अपने अध्ययन में आदर्श और मूल्यों के प्रति बिल्कुल अलगावपन, अर्थात जहां परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य परक, आदर्श परक, नैतिक परक अध्ययन की बात करता है, उसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य रहित और मूल्यों के प्रति तटस्थ अध्ययन की बात करता है। राजनीति विज्ञान में मूल्य रहित अध्ययन होना चाहिए, अर्थात जो शोध करता है वह अपने मूल्यों से अलग रहकर अपना शोध करे, अर्थात मूल्यों से रहित मूल्यों और आदर्शों नैतिकताओं को बिल्कुल एक तरफ रखकर वह अपना अध्ययन करे। तो इसलिए राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में मूल्यों के प्रति तटस्थता अर्थात मूल्यों से रहित अध्ययन पर बल दिया गया, जहां परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों से युक्त अध्ययन की बात करता है और मूल्यों को समाहित करने की बात करता है, वहीं पर आधुनिक दृष्टिकोण मूल्यों से रहित अध्ययन की बात करता है। अगला है मानवीय समस्याओं के उचित समाधान पर बल। तो देखिए आधुनिक दृष्टिकोण जो मानवीय समस्याएं अर्थात जो समसामयिक समस्याएं हैं, उन समसामयिक समस्याओं के हल पर बल देता है कि जो भी समसामयिक समस्याएं हैं उनका उचित समाधान होना चाहिए और इनके उचित समाधान की बात जो है आधुनिक दृष्टिकोण करता है। जैसे कि समसामयिक समस्याएं जो भी वर्तमान में समस्याएं हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से लाल फीताशाही है, नौकरशाही है, तो ये जो समस्याएं हैं प्रशासनिक समस्याएं हैं, उसी प्रकार से मानवीय समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं के उचित समाधान के हल की बात भी करता है कि इनका उचित समाधान होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह मानवीय समस्याओं के उचित समाधान अर्थात जो वर्तमान में समसामयिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का उचित और प्रासंगिक समाधान अर्थात उनका हल ढूंढने का प्रयास भी अध्ययन में किया जाए। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अध्ययन में हम इन सब चीजों को शामिल करते हैं और इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसका क्षेत्र जो है वह परंपरागत दृष्टिकोण से बहुत ही व्यापक है, क्योंकि जहां परंपरागत दृष्टिकोण केवल औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को अपने विषय क्षेत्र में शामिल करता है, वहीं पर आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अर्थात औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाएं, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जो भी नियमित और प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन सभी को वह समाहित करने की बात करता है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह विशुद्ध विज्ञान बनाने पर बल देता है राजनीति शास्त्र को और मूल्यों के प्रति तटस्थता अर्थात मूल्य रहित शासन की बात, मूल्य रहित अध्ययन की बात करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान के रूप में उसे देखता है और इसके अध्ययन में अधिक से अधिक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां, एक चीज और रह गई है आनुभाविक व वैज्ञानिक अध्ययन पर बल। आनुभाविक व वैज्ञानिक अध्ययन पर बल। तो देखिए
राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जो नई अध्ययन पद्धतियां हैं, जैसे कि परंपरागत दृष्टिकोण में पुरानी अध्ययन पद्धतियां ऐतिहासिक विवरणात्मक विश्लेषणात्मक विवेचनात्मक अध्ययन पद्धतियों का जिसमें प्रयोग किया जा रहा था, उसके स्थान पर दूसरे महायुद्ध के बाद में व्यवहारवादी क्रांति का आगमन हुआ और व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया और अध्ययन में पुरानी अध्ययन पद्धतियों के स्थान पर नई अध्ययन पद्धतियां अर्थात आनुभाविक वैज्ञानिक और पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धतियों पर बल दिया गया ताकि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह अधिक से अधिक विज्ञान युक्त हो सके। अर्थात राजनीति शास्त्र जो है वह एक वैज्ञानिक विषय के रूप में उसे अपना स्थान जो है दिया जाए। उसी प्रकार से एक और चीज रह रही है वो हम देखते हैं। देखिए अगला है अध्ययन में मौलिकता। अध्ययन में मौलिकता वह विषय के प्रति अध्ययन में मौलिकता विषय के प्रति स्वायत्तता पर बल। तो देखिए आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन में मौलिकता अर्थात नवीन पद्धतियों नई इकाइयों को शामिल किया गया, नए विषयों को शामिल किया गया और विषय के प्रति स्वायत्तता पर अर्थात राजनीति विज्ञान जो है वह एक अलग विषय है, एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे अस्तित्व दिया गया कि राजनीति विज्ञान जो वह है वह अन्य समाज विज्ञानों की तरह एक विषय है और इस तरह एक विषय होने के कारण इसे एक विषय के रूप में एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे पहचान दी गई। स्वतंत्र विषय के रूप में नई पहचान जो दी गई वह राजनीति शास्त्र को इस आधुनिक दृष्टिकोण में दी कि राजनीति विज्ञान जैसे कि एक समाज विज्ञान की तरह ही है। समाज विज्ञान के जो अन्य विषय है समाज विज्ञान दर्शन शास्त्र इतिहास शास्त्र मनोविज्ञान, लेकिन इसके साथ ही राजनीति विज्ञान का एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है कि वह एक अलग विषय है। इन विषयों के साथ में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को इसमें लिया गया इसके अध्ययन क्षेत्र में। इसके साथ ही इसे एक अलग विषय के रूप में नई पहचान दी किसने दी आधुनिक दृष्टिकोण ने। राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे नई पहचान मिली, इसे एक नया अस्तित्व मिला कि यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाने लगा। तो इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में एक इसे अपनी एक अलग नई पहचान दिलाई जो कि आधुनिक दृष्टिकोण ने दिलाई। तो इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण में हमने इसके अध्ययन क्षेत्र में इन चीजों को शामिल किया और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह संकुचित है, जबकि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह परंपरागत क्षेत्र की तुलना में जो है बहुत ही व्यापक है और इसमें कई अन्य चीजों को शामिल किया गया है। इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, व्यापक है। तो देखिए आपके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में एक नया एक प्रश्न आपके हमेशा आता है परीक्षाओं में कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। तो कई बार आपके 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है, कई बार आपके 5 नंबर का प्रश्न आता है और कई बार आपके 20 अंक का प्रश्न भी आ जाता है कि परंपरागत दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए या आधुनिक दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। अर्थात
परंपरागत दृष्टिकोण को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र को आप जो इसकी व्याख्या करते हुए परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या प्रमुख अंतर है इसको आप जो है विश्लेषित कीजिए। तो देखिए आपका अगला जो इसमें टॉपिक है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर का है, तो हम अंतर देखते हैं परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। तो देखिए अपना अगला जो टॉपिक है इसी में ही परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर, तो देखिए परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर है। जैसे कि आपको बताया था मैंने, आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह व्यापक है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, संकुचित है। इसी प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वह आउटडेटेड हैं, पुरानी हैं, विवरणात्मक ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक है। इसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां जो है वो बिल्कुल नई हैं और आनुभविक और पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धतियों को शामिल किया गया है। तो देखिए हम परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर की बात करते हैं। पहला अंतर हम देते हैं हम काल क्रम के संदर्भ में अंतर। पहला अंतर है काल क्रम के संदर्भ में अंतर। कालक्रम का मतलब जो समय है कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है उसका हम कालक्रम मानते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वह दूसरे महायुद्ध से पहले का समय हम मानते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में, कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वह परंपरागत दृष्टिकोण द्वितीय महायुद्ध से पूर्व, द्वितीय महायुद्ध से पूर्व की बात हम करते हैं, और जब हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो आधुनिक दृष्टिकोण जो है द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद का जो समय है उसे हम आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं, कि आधुनिक दृष्टिकोण जो है उसका समय दूसरे महायुद्ध के बाद में आता है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण जैसे कि हम यूनानी चिंतन की शुरुआत मानते हैं, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, ये सब परंपरागत दृष्टिकोण में आते हैं दूसरे महायुद्ध से पहले। अर्थात यूनानी चिंतन की शुरुआत जब से मानी जाती है तब से लेकर हम दूसरे महायुद्ध तक के समय को हम परंपरागत दृष्टिकोण में रखते हैं, और जब दूसरा महायुद्ध समाप्त होता है 1945 में, उसके बाद राजनीति विज्ञान में एक नया उपागम शुरू हुआ जिसे हम व्यवहारवादी उपागम कहते हैं, और इस व्यवहारवादी उपागम के साथ ही राजनीति विज्ञान में एक नई शुरुआत हुई। राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है वह आधुनिक रूप में उसका अध्ययन किया जाने लगा। तो इस प्रकार से दूसरे महायुद्ध के बाद का जो समय है उसे हम
आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं और दूसरे महायुद्ध से पहले का समय हम परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह दूसरे महायुद्ध से पहले का है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है दूसरे महायुद्ध के बाद के समय का जो भी कालक्रम है उसे हम आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। अगला है मूल्यों के संदर्भ में अंतर। मूल्यों के संदर्भ में अंतर कैसे? परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यपरक अध्ययन है। मूल्यपरक अध्ययन की बात करते हैं अर्थात इसमें मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता, इन पर इसमें बल दिया गया है। तो परंपरागत दृष्टिकोण जो है वह मूल्यपरक अध्ययन की बात करते हैं अर्थात राजनीति विज्ञान में आदर्श, नैतिकता और मूल्यों को स्थान देता है। इसी प्रकार से हम यूनानी चिंतन में प्लेटो को लें, सुकरात को लें, तो इनका चिंतन कैसा है? इनका चिंतन आदर्श और नैतिकता से युक्त है। जैसे कि प्लेटो का साम्यवाद एक ऐसी आदर्श व्यवस्था है जो कि आज तक व्यवहार में नहीं अपनाई गई। इसी प्रकार से उसका आदर्श राज्य जो था वो केवल एक आदर्श ही था जिसे व्यवहार में नहीं अपनाया जा सकता। तो इस प्रकार से आदर्श और नैतिकता की बात परंपरागत दृष्टिकोण में होती है और यह अपने अध्ययन में मूल्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है और मूल्यों के बिना राजनीति विज्ञान में अध्ययन ऐसे कहता नहीं हो सकता। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह आधुनिक दृष्टिकोण मूल्यों के प्रति तटस्थता की बात करता है। मूल्यों के प्रति तटस्थता, अर्थात अध्ययन मूल्य रहित, मूल्य रहित अध्ययन की बात करता है कि अध्ययन में मूल्यों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये अध्ययन में मूल्यों के प्रति तटस्थता की बात करता है आधुनिक दृष्टिकोण, कि इसका ये मानना है कि जो शोधार्थी होता है वह कहीं ना कहीं अपने अध्ययन में मूल्यों से प्रभावित होता है और मूल्यों से प्रभावित होकर वह अपने मूल्यों के हिसाब से ही निष्कर्ष निकाल देता है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन होना चाहिए वो मूल्यों के प्रति तटस्थता अर्थात मूल्यों से रहित अध्ययन होना चाहिए, कि अध्ययन में मूल्यों के स्थान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से जो है परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यपरक अध्ययन अर्थात आदर्श और नैतिकता की बात करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह अध्ययन में मूल्यों के प्रति तटस्थता अर्थात अध्ययन उसके अनुसार मूल्य रहित अध्ययन होना चाहिए। तो देखिए अगला हम अंतर देखते हैं। अगला है अध्ययन पद्धतियों के संदर्भ में अंतर।
परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां, परंपरागत दृष्टिकोण में ऐतिहासिक विवरणात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धतियां शामिल की गई, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में आनुभाविक पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धतियां शामिल की गई, अर्थात अध्ययन की नई अध्ययन पद्धतियों पर बल दिया गया, जहां पर परंपरागत दृष्टिकोण में ऐतिहासिक विवरणात्मक विश्लेषणात्मक जो अध्ययन की पुरानी तकनीक थी उस पर बल दिया गया, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन की नई अध्ययन पद्धतियों राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए नई अध्ययन पद्धतियों अर्थात आनुभाविक परिवेशनात्मक जो नई अध्ययन पद्धतियां जो वैज्ञानिकता पर खरी उतरे और नई तकनीकी पर जो खरी उतरे उन पर इसमें बल दिया गया, तो इस प्रकार से अध्ययन की नई अध्ययन पद्धतियों को इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह ऐतिहासिक विवरणात्मक जो अध्ययन की पुरानी पद्धतियां हैं उन पर बल देने की बात करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण अध्ययन की जो नई अध्ययन पद्धतियां अर्थात नई तकनीकों पर बल इसमें दिया गया कि अध्ययन की जो पद्धतियां हैं वो तकनीक पर आधारित हो, जिससे राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो अधिक से अधिक वैज्ञानिक बन सके और राजनीति विज्ञान एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में इसे जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान इसे प्राप्त हो। तो इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में नई अध्ययन पद्धतियों की शुरुआत हुई, जिससे राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में नई पहचान मिली।